इक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आज पढ़ते हैं कि इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है और रिड्यूस इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा जो मैट्रिक्स हमें पहचानने में होगा कि ये जो मैट्रिक्स है इक्लान फॉर्म है या ये रिड्यूस इक्लान फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस भी हम लेंगे। ठीक, तो कन्वर्ट भी करना सीखेंगे कि एक जो मैट्रिक्स है उसको कैसे रिड्यूस इक्लान फॉर्म और इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए, पहला है हमारे पास इक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाय एम इज कॉल्ड रो इक्लान फॉर्म या सिंपल इक्लान फॉर्म भी कहते हैं इफ इट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर उनके पास ये तीन कंडीशंस हो तब हम क्या कहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म है, इक्लान फॉर्म है। नंबर वन, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो इज वन दैट इज लीडिंग एंट्री। के मैट्रिक्स में जो हम यूज करते हैं रोज और कॉलम, तो ये किसकी बात कर रहा है, रो की। अब रो में पहला वो नंबर देखना है जो कि क्या हो, नॉन जीरो। मैट्रिक्स में क्या देखना है कि रोज में हमें देखना है कि पहला जो नंबर है नॉन जीरो कौन सा है। ठीक, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि आप जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में क्या करना है, जो रोज में फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है या एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री इन एनी रो इज ऑलवेज वन। ठीक, तो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो इज वन दैट इज लीडिंग एंट्री। सेकेंड गाय, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरो। उस वन के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या कह रहे हैं, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरो। बिलो द लीडिंग एंट्री में उसी कॉलम में, उसी कॉलम में वन के नीचे वाले सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक, नंबर थर्ड, इफ एवरी नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स परसीव्स एवरी जीरो इफ देयर इज ए। तो ये थर्ड वाली कंडीशन हो भी सकती है, लेकिन ये दोनों आना लाजमी है। तो एक इसकी एग्जाम्पल है कि पहले हमें क्या देखना है, उस मैट्रिक्स में रोज, उस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये वन है। ठीक, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो इज वन दैट इज लीडिंग एंट्री। इसके लीडिंग एंट्री कौन सी, ये वन है। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट, सेकंड क्या कह रहा है, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरो। इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इस वन के नीचे ये भी जीरो है, ये भी क्या है, जीरो। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्लान फॉर्म। सेकंड रो क्या है, सेकंड रो लीडिंग एंट्री क्या है, वन है। इसके नीचे देखना है ये नीचे क्या है, जीरो आया, तो ये किस फॉर्म में बना, इक्लान फॉर्म। इसके बाद एवरी नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स परसीव्स एवरी जीरो रो इफ देयर इज एनी। इसमें जीरो रो ये इसको परसीव कौन कर रहा है, ये नॉन जीरो रो कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स परसीव्स एवरी जीरो रो इफ देयर इज एनी, ये भी क्या कर रहा है, इससे पहले। तो ये किस फॉर्म में, इक्लान फॉर्म में। नंबर सेकंड पे आ जाए, पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट एंट्री के बाद में इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। सेकंड पे आ जाए, फर्स्ट नॉन जीरो वन है, इसके सारे नीचे जीरो, तो ये भी किस फॉर्म में, थर्ड के ये वन है, क्योंकि नीचे वाला इसमें हो रहा है भी नहीं मैट्रिक्स में, तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास इक्लान फॉर्म है, ये भी हमारे पास इक्लान फॉर्म है। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, इसको थोड़ा सा हम चेंज करें कि ये यहाँ पे तो वन लिख दिया, यहाँ पे वन, ये जीरो, ये टू, ये थ्री, ये वन, ये जीरो। क्या ये देखना है कि ये इक्लान फॉर्म में है या नहीं, तो क्या बताया, फर्स्ट तो नॉन जीरो है वन, फर्स्ट रो में फर्स्ट लीडिंग एंट्री ये क्या है, वन है,
से नीचे वाले सारे जीरो जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं है, क्या है तो इसकी ये इक्वलम फॉर्म की इक्वलम फॉर्म में नहीं है ये मैट्रिक्स। सेकंड वैल्यू है यहाँ पे, ये तो इक्वलम फॉर्म में है, यहाँ पे हम वन रखें टू रखें, यहाँ पे इसी पोजिशन को चेंज करें तो ये इक्वलम फॉर्म में नहीं होगा। तो यह क्लियर होना चाहिए इक्वलम फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि पहले उस मैट्रिक्स की हर रो देखनी, हर रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है। पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है जिसे हम क्या कहते हैं लीडिंग एंट्री कहते हैं, वो लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उस वन के नीचे उसी कॉलम में वन के नीचे सारे एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए जीरो जीरो होने चाहिए, ठीक। और हर जो नॉन जीरो रो है वो प्रोसीड करेगा एक जीरो रो को। तो ये हमारे पास कंडीशन है एक इक्वलम फॉर्म। उसके बाद है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट या लीडिंग एंट्री वन है उसके बाकाया सारे जो एलिमेंट्स ऊपर हो चाहे नीचे हो सारे क्या रखने जीरो जीरो, ठीक। अब इसे इसको ये अगर जीरो लिखा हुआ है, ठीक, अब इसको हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाना चाहें तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या है सेकेंड रोल, इसके लिए सारे नीचे जीरो जीरो, इसके लिए क्या है ये वन, सारे कॉलम के एलिमेंट उस वन के अलावा सारे ऊपर और नीचे क्या रखने हैं जीरो जीरो, तो ये भी जीरो रख। तो ये किसमें फॉर्म बन जाएगा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनेगा। इसमें देखें वन नहीं है इसी कॉलम में सारे जीरो, इसको बहुत छोड़ दें, इसमें ये वन नहीं लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए ये जीरो, ये वन है इसके ऊपर वाले और नीचे वाले सारे एलिमेंट का जीरो, तो इसे हम क्या करें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म आ रहे हैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तो कंडीशन क्या बनाई कि आप मैट्रिक्स या ऑर्डर n बाय n स्कॉल रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, इफ इट इज इक्लॉन फॉर्म पहले किस फॉर्म में होना चाहिए इक्लॉन फॉर्म में होना लाजमी है, ठीक। इक्लॉन फॉर्म हमने कर लिया। एडिशनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम व्हिच कंटेन द लीडिंग एंट्री, क्या कह रहे हैं कि जहां पे लीडिंग एंट्री 1 है उसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आर 0 एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री, उस वन उस लीडिंग एंट्री वन के अलावा ऊपर भी देखने नीचे भी देखने क्या होनी चाहिए जीरो जीरो होने चाहिए। देखिए इसमें ये वन लिखा हुआ इसका ऊपर भी जीरो रखा ये जीरो तब ये केस में बनेगा कंडीशन है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल में ये देखिए वन में वन की सारे क्या नीचे जीरो, ये वन सेकेंड रो में पहले इक्लॉन फॉर्म है चेक कर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन उसके सारे नीचे जीरो, सेकेंड रो में ये वन सारे जीरो, थर्ड के वन, लेकिन ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्योंकि इस बार के ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है वो क्या होना चाहिए उसी कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा, उसी कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा सारे जो एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो जीरो होने चाहिए और लीडिंग एंट्री क्या होगी वन, ठीक। ये देख वन के नीचे सारे जीरो वन के ऊपर जीरो, अब यहाँ पे ये देखिए इसमें ये क्लियर है तो ये हमारे पास कंडीशन है बहुत सेटिस्फाई कर ली इसके नीचे। अब ये इसी रो की बात नहीं कर रहा कि रो में भी क्या होनी चाहिए जीरो, सिर्फ कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है सिर्फ ये थ्री, तो ये इसमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे टू या थ्री होता यहाँ पे क्या है टू और थ्री होता तब ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में नहीं होता सिर्फ किसमें होता इक्लॉन फॉर्म होता। तो इस लीडिंग के ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है उसी कॉलम में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट लीडिंग वन। तो ये एक एग्जाम्पल है इसको कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू इक्लॉन फॉर्म एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तो इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं रो और कॉलम ऑपरेशंस। तो क्या हम यूज करते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन। अब देखिए मैट्रिक्स कौन सा है किस ऑर्डर का 3x4 ऑर्डर का, इसमें ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कोई भी एम बाय एम के मैट्रिक्स हो सकता है। अब इसके आने के पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो क्या होना चाहिए वन,
तो इन दोनों को रो वन, ये रो वन हो गई, ये रो टू। सिंपली क्या करना है, इंटरचेंज करें रो वन एंड टू को, बाय इंटरचेंजिंग रो वन एंड टू। तो सिंपली हम लिख सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग, तो ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये टू थ्री माइनस फाइव फोर, थ्री माइनस वन थ्री टू, क्या लिखेंगे बाय इंटरचेंजिंग आर वन एंड आर टू। वन और टू जो रो उसको क्या किया इंटरचेंज किया, इसलिए लेफ्ट हैंड में क्या बन गई वन वन गई, यहाँ तक परफेक्ट है। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे वाले सारे जो है वो जीरो जीरो रखने, तो सिंपल हमें क्या करना है कि इसको अगर हम इसके इक्विवेलेंट लेना चाहें तो फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई करें, सिंपल क्या करना है फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आर टू माइनस टू आर वन लिखे, सिमिलरली आर थ्री माइनस थ्री आर वन लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं कि आर टू प्लस ये माइनस टू आर वन, आर थ्री प्लस ये माइनस थ्री आर वन, ये डायरेक्टली आप ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस टू ये जीरो बना, पहले रो जैसे वैसे वैसे लिखे आप, फिर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितने माइनस टू से, तो ये बनेगा प्लस का टू, टू और थ्री कितना बनेगा फाइव, माइनस टू से ये फोर, माइनस वन और प्लस का फोर थ्री, इसको टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू सिक्स, सिक्स और फोर टेन, इसको थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री माइनस थ्री, ये क्या बनेगा जीरो, ये थ्री प्लस का टू सिक्स, ये नाइन, ये नाइन, नाइन और टू इलेवन, फर्स्ट के डाउनवर्ड में सारे के आगे जीरो। अब आ जाए सेकेंड, क्या रखना है सेकेंड के लिए, यहाँ पे वन आना चाहिए, ये वन जीरो जीरो, सेकेंड क्या रखना है इसको वन लाना है, क्या लाना है अब सेकेंड रो के जो एक काम करना है इसको वन लाने के लिए, सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा आर टू माइनस टू आर थ्री कर सकते हैं जी, पहले रो जैसे वैसे भी ऐसे रख लें, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सो टू से मल्टीप्लाई करेंगे या लिख सकते हैं आर टू प्लस माइनस टू आर थ्री, क्या बनेगा ये वन वन, ये ऐसा ऐसा वैसे लिखें, एटीन थ्री माइनस एटीन, माइनस का फिफ्टीन कितने, माइनस का ट्वेंटी टू, टेन माइनस ट्वेंटी टू माइनस का ट्वेंटी, अब इसके लिए ये नीचे वाला जीरो रखना है, ये वन ये जीरो ये जीरो माइनस वन, इसको क्या कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वन ये बनेगा जीरो, पहले रो जैसे वैसे वैसे ही लें माइनस थ्री, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं आर थ्री में जो है प्लस ये माइनस टू आर, टू आर ये ऑपरेशन अप्लाई कर, तो सिंपल ये जीरो बना, इसको टू से मल्टीप्लाई करें ये थर्टी थर्टी नाइन, ये इज इट इज थर्टी नाइन, और ये ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और इलेवन थर्टी फाइव,
अब इस पे आ जाएंगे, डिवाइड करना है। अब इसको क्या करना है, वन जीरो जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस टू, माइनस फिफ्टीन, वन माइनस थ्री, माइनस ट्वेल्व, थर्टी फाइव बार का थर्टी फाइव, इट इज इन एक रॉन्ग फॉर्म। एक इसमें इकलान फॉर्म, इसको रिड्यूस इकलान फॉर्म बनाने के लिए क्या रखना है, इसके सारे एलिमेंट ऊपर और नीचे जीरो जीरो, इसके भी ऊपर सारे जीरो, तो हमें क्या करना है, ये वन जीरो जीरो, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये आर वन में जो है आर टू ऐड करने से ये जीरो बनेगा, ये बन गया या जीरो, ये वन ये जीरो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये कितना बनेगा, आर वन में आर टू जो है ऐड किया, ये यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस का सेवन है, ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस का फिफ्टी, ये वन माइनस का फिफ्टी, और ये माइनस का ट्वेल्व, वन थर्टी फाइव और थर्टी नाइन, अगेन अब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये जब ये वन जीरो जीरो है, ये जीरो वन जीरो है, जीरो लाने के लिए आर वन में हम ऐड कर रहे हैं सेवनटीन आर थ्री, इसको वन लाने के लिए आर टू में ऐड कर रहे हैं फिफ्टीन आर थ्री, तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, ये बनेगा वन माइनस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन इंटू थर्टी फाइव ओवर थर्टी नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव ओवर थर्टी,